नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरएसी संबंधित। इसमें जो अक्सर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इंटरव्यू में जब क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको बतलाया जाएगा और फुल बतलाया जाएगा। तो उसमें आपको यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना हो, उसमें हर एक सेशन में आपको यानी कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको बतलाया जाएगा पूरा आरएसी संबंधित। जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज बतलाया जाएगा। अब से मेरा सेशन चालू होगा, पहला चैप्टर में हम लोग बतलाएंगे, इसमें जो कम से कम 10 क्वेश्चन बताया जाएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, उसका सारा सारा आपको आंसर दिया हुआ रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ रहेगा कि आरएसी में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, आरएसी में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, तो उसका जो आंसर आपको देना होगा। तो उसमें आरएसी उसकी बताना होगा, आरएसी में आपको दो टाइप का कंप्रेसर यूज होता है। पहले जो था हर्मेटिक कंप्रेसर, अब जो होता है रोटरी कंप्रेसर। ये चीज आपको बताना होगा कि अभी जो हो रहा तत्काल रोटरी कंप्रेसर, और पहले जो होता था हर्मेटिक कंप्रेसर। हर्मेटिक कंप्रेसर क्यों हटाया गया, वो बिजली बिल थोड़ा ज्यादा लेता था और रोटरी कंप्रेसर की अपेक्षा, अब जो ले रहा वो रोटरी कंप्रेसर बिजली बिल थोड़ा कम लेता, उससे बढ़िया काम करता, इसे लेकर के अब जो यूज किया जाता है रोटरी कंप्रेसर आपको यूज किया जाता। अब यहाँ पर हार्मेटिक और रोटरी, तो हार्मेटिक कंप्रेसर अभी भी है, ऐसा नहीं अभी भी है। पहले गोल टाइप में रहता था और बड़ा कंप्रेसर रहता था, यह हार्मेटिक कंप्रेसर रहता था। जो फ्रिज में लगता वो मेरा हार्मेटिक कंप्रेसर, वही चीज अब जो देखेंगे स्प्लिट एसी या विंडो एसी, अब जो रोटरी कंप्रेसर लगता है यानी उसके साथ एक एक्यूमुलेटर देता है, फिर एक बना यानी कि रोटरी कंप्रेसर पर दे देता है लेकर के, कि ये चीज अब जो यूज होता है रोटरी कंप्रेसर और हार्मेटिक कंप्रेसर। क्लियर है आपका? अब जो दूसरा क्वेश्चन है, एसी कितने सिस्टम मिलकर काम करता है, यानी कि एसी जो बना हुआ है कितने सिस्टम मिलकर पूरा काम करता है, उसमें आपको जो आंसर देना होगा, उसमें जवाब देना होगा तीन, यानी कि एसी तीन सिस्टम मिलकर काम करता है। उसमें कौन कौन सा रहेगा, एक सबसे पहला जो आपको रहेगा एयर फ्लो सिस्टम या फिर एयर वेंटिलेशन सिस्टम। अब यहाँ पे ये चीज रहेगा एयर वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है, तो आप या विंडो सी या फिर स्प्लिट सी देखते होंगे, यानी कहीं से एयर लेने की जगह, यानी एक ऐसा जगह जहां से एयर लिया जाता है उसका एयर को बाहर निकालने की एक रास्ता बनाया जाता है, वही वेंटिलेशन होता है। जैसे रूम आप देखते होंगे कहीं पर एकदम छोड़ा देता है ना वेंटिलेशन के लिए, यही चीज यानी कि एयर आने और जाने का जगह, वही वेंटिलेशन कहलाता है। एयर के पहला क्या सिस्टम हो गया, एयर वेंटिलेशन जगह, इनकी एयर वेंटिलेशन सिस्टम या फिर एयर फ्लो सिस्टम को बोला जाता। दूसरा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल, और तीसरा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, जो करंट यानी विद्युत जहां जहां देते हैं वो मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, और मैकेनिकल क्या हो गया, जहां जहां मेरा गैस दौड़ रहा पिस्टन मेरा जो काम कर रहा ये सब के सब मेरा मैकेनिकल सिस्टम हो गया। तो इन टोटल कितने हो गया, तो एसी में कितने सिस्टम मिलकर काम करता है, तीन सिस्टम, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह से आपको जवाब देना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है मेरा, कंडेंसर कॉइल एवं एवोपरेटर कॉइल जो इसमें हम लोग यूज करते हैं वो किस टाइप का यूज करते हैं, तो आप लोगों को जवाब देना है उसमें कौन सा यूज करते हैं, तो यानी फिंस ट्यूब टाइप का, यानी फिंस टाइप का, उसमें आप फिंस लगा हुआ, जो लगा हुआ रहता है उसको क्या चीज बोलता है, फिंस। अब फिंस क्यों लगाता, अब इसी में आपको अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फिंस क्यों लगाया जाता है। जो आपको देखते हैं कंडेंसर कॉइल में पत्ती लगा हुआ रहता है ना, धारी टाइम पूरा पत्ती लगा, ऐसे कॉपर कॉइल में कॉपर कॉइल आप पहचानते हैं पूरा पाइपिंग सिस्टम जिसे रहता है, मगर उसके ऊपर जो फिंस लगा हुआ था, पत्ती लगा हुआ था ढेर सारा पतला पतला, उसको फिंस बोला जाता। अब वो अगला क्वेश्चन इसी में अगर हो जाएगा कि फिंस क्यों लगाया जाता, अगर पूछ दिया जाए तो फिंस आपको ये जवाब देना होगा कि फिंस इसलिए लगाया जाता, जैसे कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, अब वहां पर एयर आ रहा है डायरेक्टली यहाँ पर रख दे तो वहां पर रुकावट ज्यादा नहीं देगा, और रुकेगा नहीं तो वहां पर क्या होगा, अब हीट अगर एक्सचेंज करना तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, अगर वहां पर कूलिंग सिस्टम काम करे तो कूलिंग नहीं हो पाएगा वहां पे, ये चीज यानी तुरंत एयर आएगा तो निकल जाएगा, तो उसमें कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। उसी चीज को अगर थोड़ा देर के लिए वहां पर रोक दिया जाए, जैसे नॉर्मली आप एक आग जला लीजिए, आग के ऊपर से अपना हाथ ले जाइए डायरेक्ट ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर टेम्परेचर है, फिर भी हम उसके अंदर से स्पीड में गुजार देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम वही चीज करें कि थोड़ा धीरे से ले जाए तो आपको मालूम पड़ेगा है ना, यही चीज वहां फिंस का वक्त होता है। एयर फ्लो सिस्टम वही चीज काम करता, जो एयर आएगा वहां पर कुछ देर उसका ठहराव के लिए, कुछ देर वहां पर रुकने के लिए वहां क्या करता है, एयर फ्लो सिस्टम यूज करता, वहां फिंस रहेगा तो कुछ देर उसको एयर को रोकता है, उसके बाद वहां खींच पाता तब जाकर वहां मेरा हीट वहां पर लेता है और मैं कहीं क्या करता वहां पे कूलिंग वहां पर देता है, लेकिन इस तरीके से वहां पर हीट और हीट ट्रांसफर हो पाता है। चौथा जो क्वेश्चन है मेरा, अगर पूछा जाए जैसे इससे पहले पहला क्वेश्चन मुझे बताया कि एसी कितने सिस्टम मिलकर बना हुआ, उसमें क्या चीज बताया तीन, अगर आपको उसमें उसी में एक भाग था मैकेनिकल सिस्टम, उसमें तीन भाग में क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एयर फ्लो, अगर उसमें आपको पूछ दिया जाए मैकेनिकल कितने सिस्टम मिलकर बना हुआ, यानी मैकेनिकल सिस्टम है एक वो कितने पार्ट्स मिलकर बना हुआ एसी में, तो उसमें आपको जवाब देना होगा चार पार्ट्स, पूरा मैकेनिकल सिस्टम चार पार्ट्स। पहला है कंप्रेसर, दूसरा मेरा क्या चीज रहेगा कंडेंसर कॉइल, तीसरा
कैपिलरी ट्यूब जिसको एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। चौथा क्या रहेगा मेरा, कूलिंग कॉइल या फिर इवेपोरेटर उसी को बोलते हैं। ये चीज इतना समझ गए। अगला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कूलिंग कॉइल पे जो इवेपोरेटर हम इसी में यूज करते हैं, कूलिंग कॉइल इनडोर का, उस पर कितने डिग्री टेम्परेचर होता है जब गैस फुल अप रहता है, जिसमें वो ठंडा करते रहता और चालू रहता। तो हम आपको ये जवाब देना होगा 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये हम क्यों बता रहे हैं 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस को, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो वहां पर आपको ये चीज जवाब देना होगा, जिसमें जैसा वैक्यूम रहता है, जिसके अनुसार उसके अनुसार गैस सिस्टम रहता है, पाइपिंग रहता है, उसके अनुसार वो ठंडा भी करता है। जिसमें जितना बढ़िया वैक्यूम रहेगा, जिसमें जितना अच्छा गैस भरा हुआ रहेगा, वही चीज मेरा अच्छा ठंडा भी करेगा और बिल्कुल सब कुछ जब कुछ सही रहेगा। यानी जो जितना बढ़िया वैक्यूम किया हुआ रहेगा वो उतना बढ़िया ठंडा भी करेगा। उसके अंदर क्या रहेगा, एक्स्ट्रा एयर जब नहीं रहेगा तो ठंडा बहुत ज्यादा करेगा, तो वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर वही चीज पर सही से वैक्यूम नहीं है, कुछ उसके अंदर एयर भी है, हो सकता है वहां 5 डिग्री 6 डिग्री कूलिंग कॉइल ठंडा कर रहा, तो वहां पर बाहर क्या होगा, ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा। यानी समझे कि नहीं, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक मेरा कूलिंग कॉइल वहां पर ठंडा रहता है। टेम्परेचर नापते हैं तो वो बहुत बार गैस कुछ कम होता है तो बहुत बार माइनस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा तो वहां पर आइस जमना चालू होता है, बहुत बार 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आइस नहीं जमता और वहां पर ठंडा करते रहता, ऐसा वहां पर गैस में चलते रहता, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो आपको जो बोलना है 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग कॉइल अधिकतर ठंडा रहता। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि डिस्चार्ज लाइन पे कितना डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, डिस्चार्ज लाइन जो कितना टेम्परेचर उसका, जब हम मैकेनिकल सिस्टम चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, तो कंप्रेसर जो डिस्चार्ज लाइन निकलता है वो कितना डिग्री सेल्सियस गर्म होता है जब गैस फुल अप रहता है उस कंडीशन में। तो आपको जो जवाब देना है, सब गैस का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जो यानी कि जो जितना गर्म करेगा वो आगे तक उतना ठंडा भी करता है, ये समझ लीजिए। तो सब गैस का एक अलग अलग टेम्परेचर है, उसमें से आपको जो जवाब देना 80 से लेकर सब गैस का एवरेज बताना होता है, तो 80 से लेकर के 105 डिग्री सेल्सियस तक आपको जवाब देना होगा। यानी 80 से लेकर नॉर्मली बहुत से गैस जैसे R22 गैस है वो 85, 90, 95 ऐसे रहता है, 80 अधिकतर वो जो रहता है 80 से लेकर 90 के बीच में रहता है R22, और 410 में चल जाते हैं, 32 में चल जाता है, तो उसका प्रेशर हाई रहता है, उसके वजह से उसका टेम्परेचर भी कंडेंसर वगैरह यानी डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो आपको जवाब देना 80 से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर का, डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर रहता है।